नमस्कार, द बिलेट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारा चल रहा है क्लास 11th का डेप्रिसिएशन चैप्टर, जिसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन नंबर 9 लिया है जिसमें कुछ खासियत है। तो इस क्वेश्चन की जो खासियत है वो जब आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो वो समझ आएगा। तो इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन का एक बेस बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन खरीदी गई है जिसकी वैल्यू 240,000 है, उसको लगाने का खर्चा 10,000 रुपये है। फिर 2019 अक्टूबर में एक और मशीन परचेज करी है जिसका जो खर्चा है वो है 1,00,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद 2019 से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है अक्टूबर 2021 में, जिसके अंदर उसने जो मशीन पहली खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 को, उसको बेचा जा रहा है 1,43,000। और उसी दौरान उसी तारीख को उसने एक नई मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू है 2,00,000 रुपये। तो क्वेश्चन का ये फॉर्मेट था जिसमें हमें समझ आता है कि मशीनें कितनी है। तो यहाँ पे तो मशीन कितनी है, पहले एक, फिर आपके पास दो, और फिर जब मशीन को बेच दिया उसके बाद तीन, ठीक है। तो आपके पास जो है एक मशीन बिकती है, दूसरी मशीन आ जाती है, तो इसलिए आपकी दो मशीन लास्ट तक रहती है, ओके। तो हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि जब 1 अप्रैल 2019 को उसने मशीन खरीदी तो एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट, और उसके अंदर आपका 2,40,000 + 10, यानी इन दोनों को जोड़ के डालोगे यानी 2,50,000 रुपये, क्लियर। तो टोटल बैलेंस कितना आया, 2,50,000। और अक्टूबर में जो मशीनरी खरीदी है उसे आप डाल दोगे टू बैंक अकाउंट सेकेंड करके 1,00,000 रुपये का। अब दोनों मशीन पर डैप लगाना है, डैप की वैल्यू है 5%, ठीक है। तो आपको पहले 2,50,000 पे 5% लगाना है, तो वो निकल के आएगा 12,500 रुपये, क्लियर। और उसके बाद जब आप 1,00,000 पे लगाओगे तो 1,00,000 पे आपको ध्यान रखना है अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने, ठीक है। तो 1,00,000 पे 5% और 6 महीने का, यानी 1,00,000 मल्टीप्लाई 5/100 × 6/12, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2,500 रुपये। तो दोनों का टोटल करोगे ये आएगा टोटल 15,000 रुपये। आप पहली मशीन से पहली मशीन का डैप और दूसरी मशीन से दूसरी मशीन का डैप माइनस कर दो, तो आप देखोगे पहली का बैलेंस आएगा 2,37,500 और दूसरी का मशीन का बैलेंस आएगा 97,500। इन दोनों का ऐड करोगे ये आएगा 3,35,000, 3,35,000 + 15,350, दोनों साइड 3,50 आ गया, एक साल का बैलेंस क्लोज हो गया। अगले साल 2020 था, 2021 एक अप्रैल डालोगे, दोनों बैलेंस को ट्रांसफर करोगे बैलेंस बीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस सीडी होता है, क्लियर। फिर उसके बाद फिर 5% डैप लगाओगे, तो 2,37,500 पे 5% पूरे साल का डैप 12,500। अब यहाँ पे था 97,500, तो इस पे नहीं लगता डैप, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू यानी 1,00,000 पे लगेगा। तो 1,00,000 पे 5% कितना आया, 5,000 रुपये। इन दोनों का टोटल 17,500, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, बैलेंस आएगा 2,25 और 92,500, टोटल करोगे 3,35 आएगा, दोनों साइड 3,35। अब बैलेंस आ जाता है 2021 में, और यहाँ 2021 में ही हमारे पास मशीन अक्टूबर में खरीदी है, तो सबसे पहले तो बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, बैलेंस ट्रांसफर करके 1 अक्टूबर डाला और यहाँ पे मशीन हमने खरीद ली 2,00,000 रुपये की, पहला काम हो गया। दूसरा काम कि जो पहली मशीन थी उसे बेचना है, तो बेचने वाली जो मशीन है उसकी वैल्यू कितनी है, 2,25,000। बेच कितने में रहा है, 1,43,000 में, 1,43,000 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए पहले अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का डैप निकाला जाएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पहली तारीख को बेच दिया, यानी 6 महीने का डैप। तो इस 1,25,000 पे जब तुमने 6 महीने का डैप लगाया तो वो आएगा 6,250 रुपये। भाई साल भर का 12,500 रुपये था, आधा कर दिया, 6,250 रुपये हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला, कि 2,25,000 इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, जो भी निकल के आएगा आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। तो लॉस कितना हुआ इसमें, 75,750 रुपये का लॉस हुआ, क्लियर है बात। अब हमारे पास दो मशीनें बच गई, एक तो 92,500, एक बच गई 2,00,000 की। तो 92 पे बैलेंस लगाओगे तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन उसी पे लगेगा जिस पे खरीदा था। तो 1,00,000, 1,00,000 पे 5%, 5,000 रुपये। ये 2,00,000 की मशीन थी, तो 2,00,000 की मशीन पर अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो 5%, तो 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर से है मार्च तक, तो 6 महीने का, तो 6 महीने का आएगा 5,000 रुपये। तो पहले इसमें सेकेंड मशीन से सेकेंड मशीन का और थर्ड मशीन से थर्ड मशीन की वैल्यू को माइनस करोगे तो ये आपकी बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस को यहाँ पर डाल दिया, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, आपका मैच हो जाएगा। इन दोनों अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर करना है तीसरे ईयर में, ठीक है। इसके अंदर जब ट्रांसफर करोगे तो इस पर डैप लगाना है, तो पहली मशीन पर 5,000 का, दूसरी मशीन पर 10,000 का डैप आएगा, क्योंकि 2,00,000 की मशीन थी, इस पर नहीं लगाना है, क्लियर। फिर पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, दोनों को माइनस करोगे बैलेंस निकल के आ जाएगा, वो जो बैलेंस है वही आपका ही पर्टिकुलर आंसर है, क्लियर। तो इसी को आपको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ कैलकुलेशन, क्लियर है बात। कोई कन्फ्यूजन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी, थैंक यू।